इट्स मी रूपक सिंह, और फिर से एक नई वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आइसोडाइफर्स के बारे में। तो आइसोडाइफर्स बेसिकली क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बट द डिफरेंस बिटवीन एन एंड पी, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स। तो आते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन वाले पार्ट पर। तो लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट दे हैव सेम डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मीन्स एन बाई पी जो होगा ना, ये क्या होने वाला है, ये सेम होगा। और ऐसे दो एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोडायफर्स कहते हैं, है ना। तो इन चीजों पर हम लोग आते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे बोरोन, बोरोन 5, 11 और कार्बन 6 और 13। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में या जेड, तो यहां पर 5 है और यहां पर क्या है, 6 है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, 6, और ये यहां पर 13 माइनस ये क्या हो जाएगा, 7। तो इस केस में अगर हम अब n माइनस पी कैलकुलेट करें, तो 6 माइनस 5 और 7 माइनस 6, इट मीन्स ये भी क्या हो गया 1 और ये भी क्या हो गया 1। तो ऐसे दोनों को, एटम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स। इट मीन्स यहां पर देखो कि इनके जेड भी अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग है, लेकिन डिफरेंस मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो डिफरेंस है एन माइनस पी, वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन 7, 15 और फ्लोरीन 9 और ये 19 लेते हैं। तो प्रोटॉन की बात करें, दैट इज जेड, तो यहां पर 7 है और यहां पर क्या है, 9। न्यूट्रॉन की बात करें तो 15 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा, 8, और 19 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा, 10। तो यहां पर n माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन अगर कैलकुलेट करें तो यहां पर क्या होगा, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, और यहां पर भी 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। इट मीन्स कि यहां पर n माइनस पी का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, आपका सेम आ रहा है। तो ऐसे दोनों एटम्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, आइसोडाइफर्स। तो गाइज आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियोज को एक बार देख सकते हैं, और यहाँ पर आइसोडाइफर्स के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोस्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट वी विल मोटिवेटेड, एंड इस तरीके से वीडियोस हम लोग बनाते रहे। ओके गाइस, बाय।